Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, Veer Bal Divas is observed on which date? And correct answer for this question is 26th December. Next question was, in which year Shri Atal Bihari Vajpayee was conferred with Bharat Ratna? And correct answer for this question is 2015. So without wasting any time, let's see what is in the news. So this first news is talking about the volume and variety of contraband seized in India. देखिए एक रिपोर्ट अभी हाल में ही रिलीज हुई है जिसका नाम है स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2021-2022. देखिए जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस है उसने एयरपोर्ट्स पे, सी रूट्स पे, बॉर्डर के आसपास हर दिन जो भी गतिविधियां होती हैं, इलीगल सामान हमारे यहाँ भेजा जाता है उनको सीज किया है. और ये पूरी रिपोर्ट देखिए कहाँ पे हेल्पफुल होगी, ये बताएगी कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं स्मगलिंग को लेकर, या हमें क्या और बेटरमेंट करने की आवश्यकता है कि इतनी इलीगल चीज़ें होने के बाद भी, इतना स्ट्रिक्टनेस होने के बाद भी, ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट कर रहा है. चलिए तो देख लेते हैं, इन्होंने यहाँ पर कुछ चार्ट में इसको शो किया है. तो पहला चार्ट बता रहा है, चार्ट वन, कि जितना भी गोल्ड है, अभी देखिए हम अगर ट्रांसपोर्टेड इलीगल गोल्ड की यहाँ पर बात करें तो 400 करोड़ रुपए से भी कीमत का ज़्यादा गोल्ड, लगभग 800 किलोग्राम गोल्ड यहाँ पर जब्त किया जा चुका है. और यहाँ पर आप एक चार्ट देख पा रहे होंगे साइमल्टेनियसली, जिसमें पता चल रहा है कि किस कंट्री से इतना ज़्यादा गोल्ड इलीगली हमारे पास आया, जिसमें म्यांमार टॉप कर रहा है, देन वेस्ट एशिया, अदर कंट्रीज, और बांग्लादेश का प्रपोर्शन ऑलमोस्ट 7% है. देखिए यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है मोल्टन मेटल अनकवर्ड किया गया है, जिस में बहुत सारे रैकेट गोल्ड की स्मगलिंग करने वाले, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट था, उसको यहाँ पर टैप किया गया है. और इसका एक कोड नेम दिया गया था, एक और ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था गोल्डन टैप. ठीक है, जिसने क्या अनकवर किया था, जो एक ये सिंडिकेट चल रहा है जो इस पूरे ट्राइंगल को दिखाता है ना, जहाँ पर गोल्ड की स्मगलिंग की जाती है, उसको यहाँ पर धर दबोचने के लिए ये किया गया था. ठीक है, तो आप ये दोनों ऑपरेशन के नाम याद रखेंगे. पहला मोल्टन मेटल, जिसने अनकवर किया है हमारे क्या जितनी भी रैकेट है गोल्ड स्मगलिंग को लेके, उनको बताया है. ठीक है, पूरी मशीनरी को यहाँ पे बताया, साथ ही गोल्डन टैप बताया गया, जिसमें क्या किया जा रहा था कि भाई गोल्ड के ऊपर निकल की पॉलिश चढ़ा दी जाती थी ताकि वो देखने में ऐसा लगे कि क्या है, स्टील है, और उस तरीके से यहाँ पर इलीगल ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था. वहीं देखिए चार्ट टू यहाँ पर बता रहा है कि देखिए 1100 लाख रुपए से भी ज़्यादा की इलीगल फॉरेन करेंसी को यहाँ पर जब्त किया गया है. अगर आप ये दूसरा चार्ट यहाँ पर देखेंगे तो ये दिखा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा यूएई का दिरहम आपको देखने मिलेगा, रियाल्स देखने के लिए मिलेंगे. वहीं आपको देखिए इनका प्रपोर्शन देखिए. ठीक है, तो ये इलीगल तरीके से भारत में इनको लेकर आया जा रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है. ठीक है, तो इसमें से भी देखिए एक इंस्टेंस ऐसा भी आया था जहाँ पे $5 लाख से ज़्यादा की इलीगल करेंसी को जब्त किया गया था फ्लाइंग प्लेन से, जो शहराज से मुंबई की तरफ आ रहे थे. ठीक है, ऐसे ही चार्ट थ्री जो इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया में जो इलीगल तरीके से सिगरेट आई है, सिगरेट्स के रैकेट को भी यहाँ पर पकड़ा गया है अगेन, जिसमें देखिए आपको म्यांमार के रूट से सबसे ज़्यादा इलीगल एक्टिविटी हमें देखने मिली है, फिर यूए की रूट से हमें देखने मिली है. और 31% तो वो वॉल्यूम है जिसका पता ही नहीं है कि ये आया एक्चुअली कहाँ से है. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो ये पूरा रैकेट पकड़ा गया वो 6.5 करोड़ रुपीज से भी ज़्यादा का था, जिसमें 32,76,800 स्टिक्स पकड़ी गई हैं. ठीक है, तो ये देखिए आप कितना बड़ा रिस्क है हमारी सिक्योरिटी को लेकर. और देखिए उससे भी बड़ा चिंता का विषय क्या है, ये जो सीज्ड यहाँ पर पैकेट्स पकड़े गए हैं, इनमें से मैक्सिमम पैकेट्स तो वो थे जो कि पिक्टोरल वार्निंग नहीं शो कर रहे, जो कि इंडिया में कंपलसरी है, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कंपलसरी किया गया है कि आप किसी भी टोबैको प्रोडक्ट्स या इस तरीके के प्रोडक्ट्स पर एक वार्निंग इमेज शो करेंगे. ठीक है, इसी के बाद देखें हम टेबल फोर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर नार्कोटिक्स की बात की जा रही है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो नार्कोटिक सीज किया गया है
वो मैक्सिमम मध्य प्रदेश, त्रिपुरा या महाराष्ट्र के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो देखिए, अकेले गांजा ही अकेला 26,900 किलोग्राम गांजा यहाँ पर जब्त किया गया है। वहीं 1800 कार्टन्स हैं एप्पल जूस, पामेग्रेनेट जूस, वो भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले हैं। गांजा के अलावा अगर हम देखें तो हमें हेरोइन, कोकेन, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं, जिसका चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट 5, टेबल 5 की यहाँ पर बात की जा रही है, जो एनवायरमेंटल क्राइम्स के बारे में बात कर रहा है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलिफेंट टस्क वर्थ ऑफ ₹700 करोड़ को पकड़ा गया है। वहीं वेल वॉमिट को भी पकड़ा गया है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्पर्म वेल के द्वारा यहाँ पर निकाला जाता है, और लग्जरी परफ्यूम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इंडिया में अगर बात करें तो देखिए, ये वेल वॉमिट पूरी तरीके से बैन है, जिसे हम एम्बरग्रिस भी बोलते हैं, जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो सिर्फ 1 किलो एम्बरग्रिस का कीमत जो होता है वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का होता है, जो कि इंडिया में अभी तक पकड़ा जा चुका है। अलॉन्ग विद दैट देखिए, आपको ड्राइड सी हॉर्सेस भी यहाँ पर पकड़े गए हैं, उसके साथ रेड सैंडल्स भी यहाँ पर पकड़े गए हैं, कट्टे के कट्टे पकड़े गए हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि क्या हो रहा है, आपके यहाँ इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। इसी तरीके से ये स्टार टॉर्टोइस, ठीक है, जिनको एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, पकड़वा लेते हैं, इलीगल तरीके से मंगवा लेते हैं, तो ये भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिले हैं। चलिए, तो ये तो था इस आर्टिकल के बारे में। आप इसका यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल का इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। स्मगलिंग इंडिया में बढ़ रही है, उसका हमारी सिक्योरिटी को किस तरीके से थ्रेट होगा, या उसके बचने के क्या उपाय किए जा सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, आप उस पर अपने विचार दे सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ने के पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। ऑल्सो, इफ़ यू वॉन्ट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन, डू विजिट राउल्स अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, MP नगर Zone 2 भोपाल, बिकॉज वी हैव इंटायरली डेडिकेटेड फैकल्टी फॉर MPPSC एंड UPSC। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है, फर्स्ट एवर बटरफ्लाई सर्वे कंडक्टेड इन मधुमलाई रिजर्व रिकॉर्ड 175 स्पीशी। देखिए, मधुमलाई टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में पहली बार, ठीक है, सर्वे किया गया है बटरफ्लाई के ऊपर, और लगभग 175 इस टाइप की बटरफ्लाइज को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, जब हम MTR की बात कर रहे हैं, मधुमलाई टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं, तो ये 688.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगभग 175 प्रकार की प्रजातियों के लिए घर है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आपको इनके नाम याद रखने ज़रूरी है। UPSC का ये फेवरेट काम रहा है कि वो जो न्यूज़ में नाम होते हैं किसी स्पीशी के, उसको उठा के डायरेक्टली आपसे पूछ लेते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर एक नेम है, दैट इज़ कॉमन बैंडेड पीकॉक। आपको ऑप्शन में बटरफ्लाई होगा तब भी आप डेफिनेटली उस पर टिक नहीं करेंगे, और इस तरीके से हमारे आंसर्स गलत हो जाते हैं। ऑल राइट, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। तो जो स्पीशीज़ यहाँ से मिली हैं बटरफ्लाई की, उसमें इंक्लूड है रेड हेलन, कॉमन बैंडेड पीकॉक, मालाबार बैंडेड पीकॉक, स्पॉटलेस ग्रास येलो चॉकलेट एल्बेट्रॉस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नीलगिरी टाइगर, कॉमर सर्जेंट, ब्लैक वेन सर्जेंट, कलर सर्जेंट, येलो जैक सर्जेंट, क्रूजर एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। साथ ही देखिए, यहाँ पर एक और स्पीशी मिली है जिसका नाम है येल्लो जैक सेलर। ये स्पीशी है नेम्फेल्डियाई की, जो कि बहुत ही रेयरली देखने को मिलती है तमिलनाडु में, उसको भी यहाँ पर स्पॉट किया गया है, ठीक। तो ये जो सर्वे हैं, ये जो किए जाते हैं, इनको करने का कारण क्या होता है, आपको बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, आपको उन इंडिकेटर्स पर ध्यान देना है कि भाई, अगर हमने मधुमलाई टाइगर रिजर्व की बात करी, तो ये इतना एरिया कितनी प्रकार की स्पीशीज़ के लिए यहाँ पर जाना जाता है। तो जितनी स्पीशीज़ हैं उनको कैटेगराइज़ किया जाएगा, इनकी सब स्पीशीज़ को कैटेगराइज़ किया जाएगा, और इन केस अगर इनमें कहीं से भी संख्या कम होती है, तो ये इंडिकेटर है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, क्योंकि मधुमलाई टाइगर रिजर्व कई बार न्यूज़ में रह चुका है, एक बार हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, मधुमलाई टाइगर रिजर्व की जो लोकेशन है वो हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में।
जो कि क्या है, ट्राइजंक्शन है किसका, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। साथ ही अगर हम बात करें तो जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि जिसे साथ में हम फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी बोलते हैं इंडिया में, ये उसका ही पार्ट है। ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व किसका पार्ट है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। चलिए अगर हम बात करें मधुमलाई, तो देखिए मधुमलाई एक एंशियंट नेम होता है जिसका मतलब होता है प्राचीन समय की पहाड़ियाँ या एंशियंट हिल रेंज। ठीक है, क्योंकि हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं जिनका निर्माण आज से लगभग 65 मिलियंस ईयर अगो हुआ पहले हुआ था, इस वजह से इनका जो नाम है वो क्या पड़ गया, मधुमलाई। चलिए अब यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट फ्लोरा और फौना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस है यहाँ की, दैट इज़ एलिफेंट ग्रास। ठीक है, वहीं यहाँ पर जाइंट वेराइटी होती है बैम्बूज की, टीक देखने के लिए मिल जाएगा, रोजवुड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, सदाबहार टाइप के पेड़ आपको यहाँ देखने मिलेंगे। वहीं अगर हम फौना की बात करें तो टाइगर्स आपको देखने मिल जाएंगे, एंशियंट एलिफेंट सॉरी एशियन एलिफेंट्स भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व की खासियत है जो आपको याद रखनी है। चलिए सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज टॉकिंग अबाउट NCPCR वांट्स NGO ओवर डिपिक्शन ऑफ वल्नरेबल चिल्ड्रन फॉर फंड रेजिंग। NCPCR की बात की जाती है तो आपको याद रखना है इट स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। देखिए आखिर हुआ क्या है, जब हम इस आर्टिकल को देखेंगे तो इन्होंने ये बताया है कि ऐसी जो NGOs हैं वो ऐसी बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस करते हैं जिसकी वजह वो क्या दिखाते हैं कि भाई उनके पास अगर एक माल न्यूट्रिशन से सर्वाइव करता हुआ कोई बच्चा है तो उसको डिपिक्ट करते हुए उसके नाम पर क्या कर रहे हैं, फंड रेजिंग की जा रहे हैं। तो देखिए कुछ इंसिडेंट्स भी यहाँ पर बताए गए हैं जिसमें बताया है 2013 का एक कैंपेन हुआ था, एक UK बेस्ड NGO था जिसका नाम था सेफ चिल्ड्रन के नाम से ये काम कर रही थी खुशी, जिसने क्या किया 20 महीने के एक बच्चे को दिखाया माल न्यूट्रिशन से वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनके बहुत क्लोज वीडियो लिए गए, बच्चे के फेस को भी लिया गया, मतलब उसकी पूरी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दिया गया और एक कैंपेन चलाया गया कि देखिए अगर आप बच्चे की लाइफ को बचाना चाहते हैं तो आप 500 रुपये कम से कम डोनेट करिए। इसी तरीके का एक और कैंपेन चलाया गया जो NGO का टाइटल था विच इज़ आनंद। ठीक है, इन्होंने भी एक इन्फेंट को दिखाया जिसकी पूरी रिब्स विजिबल थी और फंड रेजिंग के लिए कैंपेन चलाए गए। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी हो रही है वहाँ NCPCR ने वार्निंग जारी की है। ठीक है, और इस तरीके के NGO को वार्न किया है कि देखिए आप फंड रेजिंग के लिए इस तरीके की गतिविधियाँ नहीं करिए, ये कहीं ना कहीं अगर आप बात करें क्योंकि आप बच्चे के पूरे चेहरे को दिखा रहे हैं तो ये उसके राइट का भी वायोलेशन है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। रिजल्ट क्या हुआ, देखिए इन लोगों ने अपने कैंपेन्स वापस ले लिए और कुछ NGO का तो ये भी बोलना हो गया कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि इस तरीके को कोई वीडियो भी शूट हो गया है। सो NCPCR ने एक एक्शन लिया और लोगों को, जितने भी NGOs थे उनको एक वार्निंग लेटर यहाँ पर इशू किया है कि भाई देखिए जब हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान, पोषण 2.0 जैसे अभियान यहाँ पे चला रही है ताकि हम माल न्यूट्रिशन को कर्ब कर सकें, उसको एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो वहीं NGOs क्या कर रहे हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत है। एक बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील करना, उसके नाम पर कैंपेन चलाना या फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ करना, दिस इज़ टोटली रॉन्ग एंड NGO शुड अवॉइड दीज थिंग्स। देखिए इसी तरीके की जो एक्टिविटी है यहाँ पर बताया जा रहा है कि द एथिकल इमेज पॉलिसी जो दूसरे NGOs फॉलो करते हैं इस तरीके से होनी चाहिए कि भाई अगर एक इमेज को यूज़ किया जा रहा है तो वो कैसे यूज़ की जाना चाहिए, उसका पीरियड कितना होना चाहिए और कितने टाइम तक आप ऐसी इमेजेस का यूज़ कर सकते हो और कब इन्हें हटाना ज़रूरी है। क्या ये इमेजेस ऐसी तो नहीं है जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही हो, क्या वो बच्चे का कंसेंट वहाँ पर लिया गया था या नहीं लिया गया था, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये जो स्टेप्स हैं इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यूनिसेफ का 8 क्विक स्टेप टू एथिकल इमेजरी ये भी सजेस्ट करता है कि हमें ये सवाल पूछना ज़रूरी है, ये जो बच्चा है ठीक है जिसको हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, हाउ वुड आई वॉन्ट हर हिम और पोर्ट्रेड। साथ ही ऑल्सो वॉर्न अगेंस्ट द अदर एक्सट्रीम ऑफ यूजिंग हैप्पी एंड क्यूट इमेजेस ऑफ चिल्ड्रन
एंड दे टेंड टू ऑब्जेक्टिफाई चिल्ड्रन इन टू अ आइडियलाइज्ड एंड सेंटिमेंटलाइज्ड हैप्पीनेस दैट निगेट्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर रियल लाइफ. तो ये जो तरीके के मूवमेंट हैं, ये जो डायरेक्टिव हैं, इसे बहुत सारे लोगों ने वेलकम भी किया है और कहीं ना कहीं हमें इनको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. ठीक है, तो इस तरीके की इशू जब भी आते हैं तो हमेशा एक सवाल उठता है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फिर हमारी इतनी बुरी स्थिति क्यों देखने मिलती है. तो इंडिया हमेशा इस आइडियोलॉजी को डिनाई करता है कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, GHI का जो तरीका है, मेथड है, मेथोलॉजी है, वो गलत है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है. ठीक है, और अभी के डेट में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इंडिया 107 रैंक पे था अमंग 121 कंट्रीज, जो कि 2022 का इंडिकेटर हमें शो करता है. ऑल राइट, तो आपको क्या पढ़ना ज़रूरी है, आपको देखिए GHI के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही यहाँ NCPCR का मेंशन किया गया है तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी ले लेते हैं. देखिए NCPCR को इस्टेब्लिश किया गया था एज ए स्टैचुटरी बॉडी इन मार्च 2007 अंडर सेक्शन 3 ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2005. ठीक है, अगर हम इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. इनकी जो फर्स्ट चेयरपर्सन थी वो थी शांता सिन्हा, वहीं अगर हम करंट इंक्यूबेंट की बात करें तो दैट इज़ मिस्टर प्रियंक कानूनगो. साथ ही नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एम्फसाइज करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सैलिटी और बात करता है कि हर बच्चे का जो राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए. ठीक है, और उससे जितनी भी रिलेटेड पॉलिसी हैं जो आपकी कंट्री में चल रही हैं उसको उन राइट्स को ध्यान में रखते हुए बताना चाहिए. साथ ही अगर हम बात करें तो ये सारे बच्चे 0 से लेके 18 एज ईयर ग्रुप के जितने भी बच्चे हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर एटसेट्रा, इन सबको इक्वल इम्पॉर्टेंस देने की भी बात करता है. चलिए, जब NCPCR की बात करते हैं तो देखिए ये आपके स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका कंपोजिशन भी हमें जानना ज़रूरी है. सेक्शन 3 में इसके कंपोजिशन की बात की गई है जहाँ पे कमीशन कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन जो कि डिस्टिंग्विश पर्सन होंगे हु हैज़ डन एक्सेप्शनल वर्क टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड. वहीं 6 मेंबर होंगे जिसमें से एटलीस्ट 2 विमेंस होना ज़रूरी है और जिन्हें अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट. अगर हम इनके फंक्शन के बारे में बात करें तो ये एग्जामिन करते हैं, रिव्यू करते हैं चाइल्ड के प्रोटेक्शन को लेकर जितनी भी मेथड्स अपनाई जाती हैं उनको समय समय पर उनका निरीक्षण करना और उनका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना, ये देखते हैं. साथ ही अगर चाइल्ड किसी भी बच्चे के अधिकारों का हनन हो रहा है या उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीडिंग होनी है उसके बारे में भी ये यहाँ पर देखते हैं. साथ ही ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो कि टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस, राइट्स, नेचुरल कैलमिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, HIV एड्स से जुड़ी हो, ट्रैफिकिंग से जुड़ी हो, अब्यूज़, टॉर्चर, किसी भी सिचुएशन से जुड़ी हो जहां पर क्या हो रहा है, एक बच्चा अपने अधिकारों से वंचित रह जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में सूटेबल करेक्टिव मेजर्स लेने का भी काम कौन करता है, हमारा NCPCR. साथ ही ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और अगर कोई कंप्लेंट नहीं है और इनको तरीके का डाउट भी होता है कि भाई कोई गलत गतिविधि चल रही है तो ये सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं उस पर्टिकुलर मैटर में देखने के लिए. साथ ही जो भी कंप्लेंट्स आती हैं रिलेटेड टू चाइल्ड राइट या फ्री कंपलसरी एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कौन करता है, आपका NCPCR. अलॉन्ग विद दैट इट मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, ये मॉनिटर करेगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को. तो ये तो रहा इसके बारे में. चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज इज इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 2022. इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस ऑफ डिसम्बर 27 सर्व द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एपिडेमिक्स. On December 27, 1911, the Indian National Anthem Jan Gana Man was publicly sung for the first time at the Calcutta session of the Indian National Congress. The Center for Economics and Business Research, a British consultancy, has said India's
will become third largest economy by 2035. Next, IIT Kanpur is ready with an artificial heart that would be of great help to people with acute cardiac problem. A team of 10 scientists and doctor has prepared this artificial heart. Next and last in cools today is Maharashtra launched Balshini bus for street children. So it's a quiz time, and first question is, who was the first chairperson of the National Commission for Protection of Child Rights? And next question is, in which session the Indian national anthem Jan Gan Man was publicly sung for the first time? So you all know the drill. Aapko correct answer hame comment section mein batana hai, and stay tuned with us to know the correct answer. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.